बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस। आज हम फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फ्रैक्शंस के टॉपिक का फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद वाले टॉपिक्स में हम कंपेयरिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्रैक्शंस के बाकी जितने भी फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शंस कहते हैं एक पार्ट जो कि पूरे एक होल का स्मॉल पार्ट है। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे 3/4, सो 3 को हम बोलेंगे न्यूमरेटर, 4 को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। 3/4 को और अच्छे से समझने के लिए आप ये सोचिए कि ये एक पिज्जा है और इसके 4 पीसेस हैं। अब मैं कहती हूँ कि एक बच्चे ने 3/4 पिज्जा खाए, तो टोटल जितने 4 पीसेस हैं, एक पीस इसका है 1/4, 1/4, 1/4। अगर मैं कहती हूँ कि किसी ने 3/4 पिज्जा खाया, तो दैट मीन्स उसने टोटल इसके 3 पीसेस को लिया है। 4 जो नंबर है, डिनोमिनेटर हमें दिखाएगा कि कितने उसके टोटल पार्ट्स हैं। 4 मतलब 4 पार्ट्स, और न्यूमरेटर से हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितने पार्ट्स हैं। 3 मीन्स वी हैव गॉट द 3 पार्ट्स। So 3/4 is our fraction. If I say कि 1/4, 1/4 means सिर्फ एक ही पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं fractions। इसके कई सारे types हैं। First is like fractions हम कहते हैं जिनका denominator same होता है। Example लेते हैं 3/5, 4/5, 2/5, ये सारे की सारी जो हैं ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। इनको सबका डिनोमिनेटर 5 है। और एग्जांपल ले सकते हैं हम 6/10, 3/10, 5/10, 7/10, तो इन सब में भी डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें सेम डिनोमिनेटर होता है उन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस उन फ्रैक्शंस को बोलते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। एग्जांपल 3/7, 5/8, कुछ भी, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। आप देखोगे इन तीनों में डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अगर मैं इसमें एक नंबर और ऐड कर दूं 5/7, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ये दोनों बन जाएंगे लाइक, और ये तीनों जो हैं ये हैं अनलाइक। ऐसे आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन उन फ्रैक्शंस को कहते हैं जिनके न्यूमरेटर में हमेशा 1 होता है। जैसे 1/4, 1/3, 1/2, 1/5, न्यूमरेटर शुड बी 1। यूनिट फ्रैक्शन की एक ही कंडीशन है कि न्यूमरेटर जो है वो हमेशा 1 रहेगा। नेक्स्ट होती है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिफरेंस है। जैसे ये फ्रैक्शन है 3/4, प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा। 3 इज स्मॉलर देन 4, और वी कैन से 5/7, 5 जो है वो 7 से छोटा है। अगर मैं लिखूं 7/5, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। तो आपको सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन में ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे मैंने आपको ये बताया 7/5, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जब न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो गया। प्रॉपर का अपोजिट है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा था, इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा। 9/5, न्यूमरेटर इज बिगर। 7/3, न्यूमरेटर इज बिगर। सो ये जो फ्रैक्शंस हैं, इनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इनमें सिर्फ हम एक ही कंडीशन देखते हैं, न्यूमरेटर शुड बी बिगर देन द डिनोमिनेटर।
अब जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उनको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं 7/5 का। 7/5 में जब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा। यहाँ 5 है, यहाँ पे भी आप 5 लिख दीजिए। अब 7 को आप डिवाइड करके देखिए, 5 की टेबल में 7 कहाँ आता है? नहीं आता, उससे छोटा नंबर कौन आता है? 5। 5 रिमाइंडर इज 2। अब जो कोशेंट है उसको हम यहाँ लिख देंगे और जो रिमाइंडर है उसे हम टॉप पे लिख देंगे। 7/5 को मिक्स फ्रैक्शन में हम ऐसे 1/2/5 लिखेंगे। अगर हमें इसे वापस इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 5/5 और उसमें 2 प्लस कर देंगे 7/5। सेम आंसर वापस से आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। वी कैन टेक 20/7। न्यूमरेटर बिगर है, डिनोमिनेटर छोटा है, दैट मीन्स ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर हम सेम लिखते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो चेंज नहीं होगा। अब इसको अगेन हम डिवाइड कर देखेंगे। 20 को 7 से जब डिवाइड करेंगे, 7 की टेबल में 7 2s 40, माइनस करेंगे रिमाइंडर 6। कोशेंट हमेशा यहाँ आए साइन में, रिमाइंडर जो सबसे नीचे आया उसे आप सबसे ऊपर लिख देंगे। अब अगर हमें इसे वापस इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा, डिनोमिनेटर अगेन सेम ही रहेगा, 7 2s 14, 14 + 6, इसमें 6 को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 20। अब एक और मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन लेकर उसको मैं बताती हूँ कि उसे हम कैसे वापस, एक एग्जांपल और लेते हैं कन्वर्जन का। 3/7/5, तो सेम वे में हम डिनोमिनेटर को सेम लिख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें इसको प्लस करेंगे। 5 3 15, 15 + 7 = 22। तो ये था बच्चों फ्रैक्शंस के टाइप्स और फ्रैक्शन किसे कहते हैं। आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।